नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश न्यूज रूम लाइव में। और न्यूज रूम लाइव में आज हम बात करेंगे बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर राव की। आपको बता दें कि आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती, और पूरे देश में आपको बता दें कि कार्यक्रम को आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक तमाम जगहों पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जब जब हम बाबा साहेब को याद करते हैं, उनकी एक सबसे अलग छवि और सबसे अलग विचार हमें प्रेरणा देती है। आज ही के दिन यानी 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। बाबा साहेब की निजी जिंदगी की बात करें तो उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू में एक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। अंबेडकर महार जाति से ताल्लुक रखते थे। उस दौर में उन्हें आर्थिक और सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ा। बेहद कठिन हालातों में भी पढ़ाई करने वाले बाबा साहेब ने स्कूल में भी भेदभाव का सामना किया। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन बेहद संघर्षपूर्ण था, लेकिन वो कहते हैं ना, बिना संघर्ष के सफलता हासिल नहीं होती। शायद उन्हीं संघर्षों के कारण आज हम उन्हें याद कर रहे हैं, जिन्होंने भारत के संविधान को गढ़ दिया और अपने सफलता का परचम पूरे देश में लहरा दिया। बाबा साहेब को भारतीय संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। भीमराव अंबेडकर ने हमेशा से ही समानता और अपने हक की आवाज को उठाने की बात कही है, चाहे महिला हो या पुरुष। उन्होंने दोनों की बराबर की हिस्सेदारी और हर मुद्दे पर अपने हक की लड़ाई लड़ने की बात कही है। उन्होंने अल्पसंख्यकों और गरीबों को अपने अधिकारों के लिए अपनी बात रखने के लिए प्रेरित किया है। अब जरा बाबा साहेब के अनमोल विचारों की ओर रुख कर लेते हैं। धर्म में विवेक कारण और स्वतंत्र सोच के विकास के लिए कोई गुंजाइश नहीं। बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। शिक्षा जितनी पुरुषों के लिए आवश्यक है, उतनी ही महिलाओं के लिए। कानून और व्यवस्था राजनीतिक शरीर की दवा है, और जब राजनीतिक शरीर बीमार पड़े तो दवा जरूर दी जानी चाहिए। मंदिर जाने वाले लोगों की लंबी कतारें जिस दिन पुस्तकालय की ओर बढ़ेंगी, उस दिन इस देश को महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। जो व्यक्ति झुक सकता है वो झुका भी सकता है। अपने भाग्य की बजाय अपनी शक्ति में विश्वास रखो। महान प्रयासों को छोड़कर इस दुनिया में कुछ भी बहुमूल्य नहीं है। तो ये थे वो विचार जो बाबा साहेब ने प्रखर तरीके से पूरी दुनिया के सामने रखे। एक नजर बाबा साहेब के शिक्षा की तरफ भी डाल लेते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने शुरुआती शिक्षा में बेहद ही कठिन परिस्थितियों का सामना किया था। लेकिन बाबा साहेब बचपन से ही बुद्धिमान और पढ़ाई में अच्छे थे, इसलिए उन्होंने जात पात की जंजीरों को तोड़कर अपनी शिक्षा पूरी की। मुंबई के एलिफंस्टन रोड पर स्थित सरकारी स्कूल में दाखिला लेने वाले वो पहले अछूत छात्र थे। बाद में 1913 में अंबेडकर ने अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी से शिक्षा ली। 1916 में बाबा साहेब को शोध के लिए सम्मानित किया गया था। 1927 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से अपनी डिग्री प्राप्त करने वाले और विदेश से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने वाले वे पहले भारतीय थे। डॉक्टर अंबेडकर महिलाओं के अधिकारों के भी प्रबल पक्षधर थे, और उनका मानना था कि भारत की प्रगति के लिए लैंगिक समानता आवश्यक है। वो स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे, और उन्होंने देश की कानूनी व्यवस्था को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। डॉक्टर अंबेडकर को भारत सरकार द्वारा 1990 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर अंबेडकर का 1956 में 65 वर्ष की आयु में निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत भारत में सामाजिक न्याय आंदोलनों को प्रेरित और प्रभावित करती रही है। शायद यही कारण है कि आज भी हम बाबा साहेब के जन्मोत्सव को मनाते हैं,
और आज के युग में बाबा साहेब की ये प्रेरणादायक गाथा युवाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होती है। युवा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संघर्षों से काफी कुछ सीख सकते हैं। जीवन जीने के मूल मंत्र और सफलता के लिए इसे प्रेरणा के तौर पर ले सकते हैं। भारतीय संविधान के रचयिता और निर्माता, जिनकी आज पूरा देश जयंती मना रहा है, उनको याद कर रहा है, उनके विचारों को याद कर रहा है। इससे पहले आपने रिपोर्ट देखी, अब आपको सुनवाते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष उनकी तरफ से, इसी के साथ ही योगी आदित्यनाथ, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, इसी के साथ ही डिंपल यादव और तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव की तरफ से क्या कुछ आज के दिन कहा गया क्या है, सुनवाते हैं आपको। My dear fellow citizens, on behalf of the Indian National Congress, we bow in reverence to the tremendous contribution of Dr. Babasaheb Ambedkar on his 132nd Jayanti today. Babasaheb was a champion of the democratic principles of liberty, equality, fraternity, and justice. He was firm in his commitment to the transformation of India and its society, both economically and socially. We all greatly respect him as the architect of India's constitution. He was also instrumental in establishing a large number of robust institutions. Baba Saheb Bhimrao Ambedkar ne to ek hi prerna di, shikshit bano, अपने हक के लिए लड़ो, जीवन में उच्च आदर्शों का पालन करो। जीवन भर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इन कार्यक्रमों को लेकर के चलते रहे। आज हम सब यहां पर उन्हें स्मरण कर रहे हैं, उनकी स्मृतियों को नमन कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आप सबको आश्वस्त करता हूं, प्रदेश सरकार हर गरीब, हर दलित, हर वंचित समाज के हर उस तबके के हितों के लिए कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं समझता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर शायद हमारे भारत इतिहास का सबसे बड़ा चमकता सितारा है। उनके जीवन को आप जितना पढ़ो उतना लगता है कि यार ये कैसे हो सकता है, ऐसा आदमी कैसे हो सकता है जो आदमी एक मामूली से मध्य प्रदेश के गांव में इतनी गरीबी में इतने छुआछूत से निकल के भारत का लॉ मिनिस्टर बनता है और दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान लिखता है। ये सफर कोई आदमी कैसे तय कर सकता है। और उनके जीवन के संघर्ष को मैं जितनी बार पढ़ता हूं उतना मुझे यकीन नहीं होता कि ऐसा व्यक्ति भी कभी इस देश के अंदर पैदा हुआ था और उसने इतना कुछ हासिल किया। एक गरीब परिवार में पैदा हुए, बहुत गरीब था उनका परिवार, घर में खाने को नहीं थे, कई बहन भाई थे और छुआछूत इतनी ज्यादा थी उन दिनों में कि स्कूल में जाते थे अपना टाट लेके। बाबा साहब जयंती मना रहा है, 132 साल पूरे हुए हैं बाबा साहब अंबेडकर की जयंती मना रहे हैं सभी। और बाबा साहब अंबेडकर जी ने हमेशा जाति व्यवस्थाओं पर खोज किया है, हमेशा समाज को एकत्र करके आगे बढ़ाने की बात कही है। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि देखिए बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से भी ट्वीट किया गया है। आपको बता दें कि एक के बाद एक तीन बार उन्होंने ट्वीट किया और इस दौरान उन्होंने लिखा कि अति मानवतावादी और कल्याणकारी संविधान देकर आधुनिक भारत की मजबूत नींव रखने वाले परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को आज उनकी जयंती पर शत-शत नमन और अपार श्रद्धा सुमन अर्पित। उनका जीवन संघर्ष करोड़ों गरीबों, मजदूरों, वंचितों और अन्य महत्वकशों के लिए आज भी उम्मीद की किरण है। उसके बाद देखिए उनकी तरफ से ट्वीट किया गया,
गया। दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा कि उनसे प्रेरणा लेकर उनके आत्मसम्मान और स्वाभिमान के रूखे कारवा को आगे बढ़ाने और जाति के आधार पर तोड़े गए लोगों को जोड़ने के लिए आज ही के दिन 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी की देश में स्थापना की गई, जो खासकर यूपी में सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति की मिसाल बना। उसके बाद तीसरे ट्वीट में मायावती की तरफ से लिखा गया कि इस दौरान संकीर्ण जातिवादी, पूंजीवादी और सांप्रदायिक ताकतों ने बीएसपी को कमजोर करने के लिए हर प्रकार के घिनौने हथकंडे अपनाए, लेकिन ऐसे उतार चढ़ावों के बावजूद भी पार्टी से जुड़े लोग पूरी मजबूती और संपन्न तरीके से तन मन धन से मैदान में डटे रहे, जिसके लिए सभी का तहे दिल से आभार। तो ये ट्वीट बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से किया गया है। तो आपको बता दें कि आज पूरे देश में कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश सरकार की तरफ से अपने अपने राज्यों में हर जगह पर कार्यक्रमों की तैयारी पहले से ही की जा रही थी और आज देश भर से तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं जयंती के मौके पर। और इसी के साथ ही हमारे तमाम रिपोर्टर्स भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुदीप राजपूत है, तो थोड़ी देर में हमारे रिपोर्टर्स भी हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे और तमाम लोगों से जानकारी लेंगे कि वहाँ पर क्या कुछ चीज़ें देखने को मिल रही हैं। क्योंकि देखिए, इस बीच सुबह से ही तस्वीरें जो सामने निकल कर आ रही हैं, अखिलेश यादव को भी हमने देखा। आपको बता दें कि अखिलेश यादव की अगर बात की जाए तो वो भी कार्यक्रम में पहुँचे थे और इस दौरान उन्होंने भीमराव अम्बेडकर को याद किया, उनके विचारों को याद किया। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि जिस तरह से आपने पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को भी सुना, इसी के साथ ही योगी आदित्यनाथ को भी सुना, तो देखिए तमाम जगह पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी के साथ ही आपको ये भी बता दें कि आज तेलंगाना में तेलंगाना के सीएम आज बाबा साहेब की 125वीं फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर को भव्य तरीके से इस दौरान श्रद्धांजलि दी जाएगी और विशेषकर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की जाएगी। तो एक बड़ा कार्यक्रम तेलंगाना में भी आयोजित किया गया है, हालांकि वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल अगर हम बात करते हैं बाबा साहेब की, तो देखिए तो चलिए, रिपोर्टर्स हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुदीप सिंह राजपूत है दिल्ली से, हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। इसी के साथ ही सुभाष गौड़ है, ब्यूरो चीफ है उत्तराखंड के, वो हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राज वर्मा लखनऊ से, धनीश कुमार गोरखपुर से और राकेश प्रजापति अध्यक्ष रिपब्लिकन सेना दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं जानकारी ले लेती हूँ कि तमाम जगहों पर क्या कुछ कार्यक्रम आयोजन किए जा रहे हैं और क्या कुछ तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। सुदीप, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगी और जानकारी इसको लेकर कि दिल्ली में आज तो राकेश प्रजापति, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूँ सर न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर, और सबसे पहले मैं आपके पास से आना चाहूँगी। और राकेश जी, जिस तरह से आज पूरा देश भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती मना रहा है, तमाम जगह पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप, किस तरह से आज आप उन्हें याद कर रहे हैं सर? ज्ञान करोड़ों के मुख्यदाता, संविधान के सिर का, आधुनिक भारत के निर्माता, महिलाओं के मुक्तिदाता, महामानव को उनकी 132वीं जयंती पे पूरा देश नमन कर रहा है, मैं भी नमन करता हूँ। हम लोग सौभाग्यशाली हैं, हम लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के परिवार के संग काम कर रहे हैं। हम ऐसे परिवार के संग काम कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति के संग काम कर रहे हैं जिसने ना सिर्फ हमें सम्मानपूर्वक जीना सिखाया, इस देश में हमें पानी पीने का भी अधिकार नहीं था, शिक्षा का अधिकार नहीं था, गाँव से बाहर पड़े होते थे। आप सोचिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी नहीं होते तो क्या होता, आगे हमारे हांडी बंदी होती थी, पीछे हमारे झाड़ू बंदी। ये हमारे मुक्तिदाता है, सबने बहुत सारे ग्रंथ पढ़े हैं, मैं सबका सम्मान करता हूं, परंतु बाबा साहब को करोड़ों हिंदुस्तानियों का भविष्य बदलते हुए हम सबने देखा। तो शोषित वंचित गरीब महिलाएं, इस देश का हर व्यक्ति बाबा साहब का ऋणी है, उनका उनके वजह से उनका वो जो सम्मान पूर्वक जीवन जी रहा है वो आपके साथ। और आज पूरे देश की, देखिए बाबा साहब को सब मानते हैं पर बाबा साहब की कोई नहीं मानता, दुर्भाग्य है इस देश का। और आज हो क्या रहा है कि बाबा साहब को जो अमेरिका के नॉलेज ऑफ सिंबल के नाम से जाना जाता है, एक ऐसे व्यक्ति जो बहुत ही गरीब परिवार से और सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे,
अर्थशास्त्री भी बहुत बड़े थे, उनसे बड़ा कोई अर्थशास्त्री हमारे देश में नहीं हुआ है। उनमें एक दो नहीं थी, बहुत सारी खूबियां थी। और हम लोग फिर कह रहे हैं कि भारतवासी सौभाग्यशाली है, हमारे देश में दो ही चीजें बहुत महत्वपूर्ण है ही है, एक भगवान बुद्ध जो विदेशों में पूजे जाते हैं और एक बाबा साहब। तो मैं नमन करता हूँ और बहुत अच्छा दिन है, हम सभी वंचित शोषित गरीबों के लिए एक ऐसा दिन है जिसमें हमारे महानायक का जन्म हुआ था। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 132वीं जयंती की कामनाएं कहता हूं और सभी को धन्यवाद कहता हूं कि आज बहुत बड़े पैमाने पे चाहे सरकार हो चाहे विपक्ष हो सब बाबा साहब की जयंती। ठीक है राजकेश जी, लौटूंगी आपके पास। इस बीच हमारे रिपोर्टर्स का भी हम रुख कर लेते हैं। सबसे पहले सुभाष गौर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सुभाष जी, आज अगर उत्तराखंड की बात करते हैं तो देखिए सुबह से ही कार्यक्रमों का आयोजन तमाम जगहों पर किया जा रहा है, वहां पर क्या कुछ तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है? सुबह से ही कई सारे कार्यक्रम लगाए गए थे और खासतौर से न केवल एक राजनीतिक दल बल्कि सभी राजनीतिक दलों के जो प्रदेश कार्यालय हैं उन कार्यालयों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और उनको याद किया गया। लेकिन इसके साथ ही बीजेपी में एक बड़ा कार्यक्रम किया गया था जो कि बूथ लेवल पर था और सभी तमाम जिले तमाम मंडलों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए थे ताकि उनको याद किया जा सके। बड़ी चीज ये है कि संविधान के निर्माता थे, कहीं ना कहीं बहुत बुद्धिजीवी थे और ऐसे में सभी समाज के लोगों को एक साथ करने की उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी और ऐसे में तमाम राजनीतिक दल भी एकजुट नजर आए और यही एक वजह है कि भीमराव अंबेडकर जयंती के मौके पर तमाम राजनीतिक दलों के कार्यालय में भी उनको याद किया गया, उनको श्रद्धांजलि दी गई, साथ ही माल्यार्पण के साथ ही उनके किए गए देश में जो बेहतर काम थे खासतौर से संविधान को लेकर जो बेहतर काम थे उनको याद किया गया। जी चलिए ठीक है सुभाष जी, लौटूंगी आपके पास। राज वर्मा हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राज, लखनऊ की अगर बात करते हैं तो वहां पर क्या कुछ जानकारी आपके पास? कार्यक्रमों का आयोजन जिस तरह से उसको लेकर तैयारियां पहले से ही की जा रही थी क्योंकि कोशिश है इस सरकार की भी कि बाबा साहेब के जो विचार थे वो लोगों तक पहुंचाए जाएं। जी बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो लगातार अंबेडकर जयंती को लेकर उसने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। इसके साथ साथ भारतीय बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी अन्य दल भी कहीं ना कहीं इसको लेकर पहले से ही सक्रिय थे और आज भीमराव अंबेडकर जयंती के दिन सभी पार्टियों ने, सभी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो महामंत्री हैं, उन्होंने मौके पर जाकर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और उन्हें याद किया। वहीं पर जनता को कुछ में जनता को संबोधित किया। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो उनका 10:30 बजे लगभग कार्यक्रम था जहां पर वो उन्होंने मूर्ति पर जाकर माल्यार्पण किया था अंबेडकर जयंती के अवसर पर। वहीं पर उसके बाद एक संगोष्ठी का आयोजन हुआ जहां पर जनसभा की और सभी को वहां पर संबोधित किया। ऐसे में अगर हम बात करें भीमराव साहब के विचारों की तो विचारों को व्यक्त किया और बताया कि किस तरीके से उन्होंने शोषित और वंचितों को और उनके हक की लड़ाई करने का एक मजबूत दावेदारी किया था। ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रदेश की सरकार या विपक्ष की दोनों की अगर बात करें तो लगातार जो भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर आज कई सारे कार्यक्रम किए गए, कई सारी संगोष्ठी का आयोजन किया गया। ऐसे में वहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। वहीं दूसरी तरफ बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी मौके पर पहुंच कर क्या कहते माल्यार्पण किया और उन्हें याद किया। तो कहीं ना कहीं देखिए तैयारियां तो पहले से थी सरकार की भी और विपक्ष की भी, तो लगातार क्योंकि कहीं ना कहीं चुनाव भी है, ऐसे में जो वोट बैंक है उसको भी साधने की पूरी कोशिश की जाए क्योंकि कहीं ना कहीं भीमराव साहब ने जो आम जनता के लिए किया वो आज के समय में एक सबसे बड़ी महान उपलब्धि है। और कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है कि उनकी वजह से ही आज प्रदेश की का जो कानून व्यवस्था है, जो एक शोषित और वंचितों और जो परेशान लोग थे उनके लिए उन्होंने उनकी हक की लड़ाई लड़ी। तो मैंने ये सब चीजें भी देखकर आज जनता के अंदर एक उनके लिए एक अलग तस्वीर है और लोग उन्हें याद करते हैं और उन्हें याद करके कहीं ना कहीं भावुक भी होते हैं। जी बिल्कुल राज, और एक लंबी लड़ाई उनकी तरफ से लड़ी गई। हालांकि देखिए सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से तमाम जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन तो किया जा रहा है लेकिन देखिए जिस तरह से हम हर बार बसपा सुप्रीमो मायावती को सुनते हैं उनकी तरफ से यही कहा जाता है कि बीजेपी हमेशा अनदेखी करती आई है दलितों की, केंद्र सरकार हमेशा अनदेखी करती आई है, इस तरह का आरोप वो हमेशा लगाती रही है चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या फिर कोई भी कार्यक्रम हो मंच के जरिए, और इस बार भी उनका यही रुख देखने को मिला। फिलहाल लौटूंगी आपके पास राज, लेकिन इस बीच रुख धनेश
का करूंगी। हमारे संवाददाता गोरखपुर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। धनीश, अगर गोरखपुर की बात की जाए तो वहां पर लोग क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, बाबा साहब के 132वीं जयंती है, इस अवसर पे पूरे जो गोरखपुर की बात आपने कहा कि अभी आपने कहा कि इसे मायावती जो है वो हमेशा आरोप लगाती रहे कि बाबा साहब को नकारते रहे, बीजेपी जो है उनको नकारती रहे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर बात की जाए तो आज बीजेपी के महानगर अध्यक्ष हम यहाँ पे गोरखपुर के अम्बेडकर चौक पे खुद वहाँ पे पहुंचे, MLC जो है वहाँ पहुंचे और पूरे तमाम सैकड़ों के संख्या में जो कार्यकर्ता थे वहां पे पहुंचे हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब के माला पे चित्र पे उनको जो मूर्ति पे माल्यार्पण भी किया गया, उनको पुष्पांजलि अर्पित की गई और उनकी बातों का भी बखान किया गया। जो वहां MLC जो धर्मेंद्र सिंह जो MLC भी है उन्होंने कहा कि बाबा साहब के अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर आज जितने जो बूथ स्तर के जो कार्यालय उन पे उनकी उनको माला उनके चित्र पर पुष्पांजलि किया गया, उनकी जयंती मनाया जा रहा है और एक अलग से संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया है कि बाबा साहब ने जो दलितों पिछड़ों की जो लड़ाई लड़ी थी और उनके मसीहा के रूप में जाना जाता था उनको हम लोग कहीं से नहीं नकारते हैं। और बात जो कह रहे अंतोदय जो अंतिम जो लास्ट जो है छोटे तबके तक की जो अंतोदय जो योजना चलाई जा रही थी चलाई अभी भी जा रही है तो उसको उसकी भी चर्चा की गई जो बाबा साहब के बातों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो अंत्योदय जो योजना चलाते हैं कि अंत जो सबसे पिछड़े और छोटे जो वर्ग के लोग हैं उनको भी अन्न मिल सके, कहीं से पीछे न रहे, सारी योजनाओं का लाभ मिल सके, चाहे वो किसी भी पिछड़े वर्ग को है दलित वर्ग को सबको देखते हुए बीजेपी कार्य कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। और बात कही जाए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 132वीं जयंती पे सारे सभी जो गोरखपुर के सभी सरकारी जो जिला चिकित्सालय हुए सभी जो कार्यालय हैं वहां पर उनको जो चित्रों पर उनके माला अर्पण किया गया, उनका जयंती धूमधाम से मनाई गई और यहां तक कि जो भीम आर्मी भीम के जो कितने जो वो है उनके द्वारा सड़कों पर बाबा साहब के लोग झांकियां रैलियां भी निकाली गई। तो कहीं ना कहीं ये राजनीति के नहीं है, बाबा साहब राजनीति की बातों से उनको नहीं जुड़ना चाहिए। अगर बात कही जाए तो संविधान के रचयिता माने जाते हैं, पिछड़ों और दलितों के मसीहा कहे जाने वाले हैं और उनको कोई नकारता नहीं, बाबा साहब को सभी सम्मान देते हैं चाहे किसी भी धर्म के हो जाति के हो या फिर किसी भी राजनीतिक पार्टियां, कोई राजनीतिक पार्टियां उनको नकारने की बात नहीं करती। बाबा साहब का जो सम्मान है सदियों से जो चला रहा है वो सम्मान अभी भी किया जा रहा है, चाहे किसी कार्यालय में हो देख लिया जाए सरकारी कार्यालय में हो या थानों में कहीं भी देखा जाए तो बाबा साहब की एक मूर्ति जरूर लगी रहती है, कोई प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो उनके अलावा भी बाबा साहब की मूर्तियां पाई जाती है, उनको वही सम्मान अभी बाबा साहब को दिया जाता था जो पहले लोग करते थे, वही सम्मान अभी भी किया जाता बाबा साहब का। जी बिल्कुल ठीक है धनेश, लौटूंगी आपके पास। सुभाष जी, अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो यहाँ पर दलित समाज की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में तो विपक्ष है जो कह रहा है कि केंद्र सरकार लगातार अंधे। ठीक है, सुभाष से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, आवाज नहीं पहुंच पा रही है। राज, मैं आपके पास वापस लौटना चाहूंगी क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे हम दलित समाज की बात करते हैं, क्योंकि इससे पहले जिससे हम बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं नाखुश विपक्ष भी नज़र आता है क्योंकि कई चीज़ों को लेकर हमेशा सरकार को घेरने की कोशिश की जाती है, लेकिन आज देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन क्योंकि सरकार भी लगातार ये कोशिश कर रही है कि भीमराव अंबेडकर के जो विचार थे जो उनकी विचारधारा थी उनसे लोगों को जोड़ा जाए, जो कहीं ना कहीं जो आज के युवा हैं वो उन चीज़ों से कहीं ना कहीं अलग होते जा रहे हैं, कटते जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें वो लगातार ऐसे में कहीं ना कहीं देखिए जब आज अंबेडकर की जयंती पर उसने हर जिले में लगातार कार्यक्रम किए हैं और उनके कार्यकर्ता से लेकर एक प्रभारी मंत्री तक उस कार्यक्रम में शिरकत किए हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए उनके विचारों को लेकर बाबा साहब के विचारों को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां जो है वो कहीं ना कहीं उनको मानती हैं। और ऐसे में ये भी देखा जाता है कि जो जनता का रुझान रहता है वो देखिए तो सिर्फ वंचितों को लेकर महानायक कहे जाते थे भीमराव अम्बेडकर साहब और कहीं ना कहीं वो सभी के लिए सभी के हक के लिए लड़ाई भी करते थे, ऐसे में कहीं ना कहीं उनके विचारों को आज भी हमारे देश में प्रदेश में सब जगह उनके विचारों को माना जाता है, उनके विचारों को साझा किया जाता है, यहाँ तक कि हम दूसरों को भी अगर सुझाव देते हैं तो उनके विचारों से ही तर्क लेकर ही सुझाव देते हैं। कहीं ना कहीं ऐसे में जहाँ अगर केंद्र सरकार की बात करें स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो सब जगह जो आज जयंती के अवसर पर सब जगह ये कार्यक्रम आयोजन किए गए हैं, संगोष्ठी आयोजन किए गए हैं, जो RSS के कार्यकर्ता हैं
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अन्य दलों के कार्यकर्ता हैं, वो सभी इसमें पहुंचते हैं और मौके पर माल्यार्पण करते हैं, उनके विचारों को लोगों से साझा करते हैं। और कहीं ना कहीं देखिए जो युवा है, युवा कहीं ना कहीं आज भी उनके विचारों से बहुत कम ही लोग होंगे जो उनके विचारों को नहीं पता होगा, पर ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोग ऐसे भी रह जाते हैं उनको तक जो पार्टी हो गई, किसी भी समुदाय की पार्टी हो गई, वो पार्टी या उनके हमें विचार जो है हमें किसी ना किसी से साझा करने के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाए तो अगर जो भीमराव साहब के जो विचार थे वो प्रदेश के लिए और हमारे महानायक के रूप में सभी के लिए काम किया और आज उसी विचारधारा पे हम चल रहे हैं और उसी विचारधारा पे आगे की रणनीति रहेगी। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो शोषित और दलितों को लेकर भी अगर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है तो वो बूथ स्तर पर काम कर रही है, वो जनता के बीच में जाकर सीधे उनसे संवाद करती है और उनके वही विचारों को लेकर वो जनता से मिलती है जो भीमराव साहब के विचार थे। तो कहीं ना कहीं देखिए भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी का भी शुरुआत से ही यही दायित्व रहा है कि वो ऐसे लोगों को साथ लेकर चल रही है जो शोषित हुए हैं, दलित हुए हैं, या और अगर उत्तर प्रदेश में बात करें या भारत में बात करें तो 20 करोड़ की संख्या है जिसमें दलित आते हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो, अगर उन पर किसी तरीके से उन पर शोषित किए गए हैं या किसी तरीके से उन पर परेशानी हुई तो उनको कहीं ना कहीं प्रदेश की सरकार या आम जनता को सबको राहत देने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार काम कर रही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए राज, हम और हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुभाष जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, दिनेश और आपका भी शुक्रिया, इसी के साथ ही राकेश प्रजापति अध्यक्ष रिपब्लिकन सेना के हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए पूरा देश आज बाबा साहेब की 132वीं जयंती मना रहा है, देश भर में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और तमाम तरह की तस्वीरें भी सामने निकल कर आ रही हैं। कोशिश रही सरकार की इन कार्यक्रमों के जरिए कि लोगों को उनकी विचारधारा से, अम्बेडकर की विचारधारा से जोड़ा जाए, जो उनके विचार थे वो लोगों तक पहुंचाए जाए, यही कोशिश है और यही कोशिश पहले भी सरकार की तरफ से की जा रही थी, यही वजह है कि आज इतने बड़े स्तर पर पूरे देश भर में उनकी जयंती को मनाया जा रहा है। इसी को लेकर आज हम बातचीत कर रहे थे, इसी के साथ ही न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल इतना ही, आप बन रहे हमारे साथ, नमस्कार।